हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने जा रही हूं बहुत ख़ास बात। आज मैं बताने जा रही हूं कि यदि आपके घर का मुख्य द्वार और जो मेन एंट्रेंस है दोनों ही जनरली ओपन रहते हैं, बेवजह बे टाइम ओपन रहते हैं, तो वहाँ पर क्या नेगेटिविटी पनपती है, इसके अलावा क्या आपको करना चाहिए। मित्रों, कई घरों में ऐसा देखा गया है कि मुख्य द्वार जो रोड से सटा हुआ होता है और भीतर का भी द्वार बेवजह कई बार बेवजह खुला रहता है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि जो ब्रह्मांड है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी वास करती है। जब मुख्य द्वार बेवजह खुला रहता है और अगर वो जगह पर थोड़ी भी नेगेटिविटी है तो नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पर प्रवेश करती हैं और कई तरह के संकट उन घरों में आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, यदि आप इनमें बिलीव नहीं करते हैं तो आप इस तरफ ना जाएं। जो लोग बिलीव करते हैं वो समझते हैं इस बात को कि छोटे छोटे जीवन से जुड़ी हुई बातें होती ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन वो हमें काफ़ी फ़ायदा और नुकसान दे पाती हैं, दे सकती हैं। तो यहाँ इसी विषयों पर चर्चा की जाती है। तो मित्रों, मुख्य द्वार कब खुला छोड़ना चाहिए ये बता देती हूँ। सुबह सुबह प्रातःकाल जब आप जगते हैं थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा ज़रूर खुला छोड़ें। इसके अलावा संध्या का समय जब होता है, पूजा का समय होता है, मंदिर में घंटे बजते हैं, उस समय पर थोड़ी देर के लिए मुख्य द्वार बाहर वाला भी और स्पेशली भीतर वाला भी ज़रूर खुला छोड़ना चाहिए। इसके अलावा घर में जब शुभ मौके होते हैं तो ज़रूर दरवाजे को खुला छोड़ें। आसपास पड़ोस में भी अगर कोई शुभ घटनाएं हो रही हैं तो दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए आप, जैसे विवाह इत्यादि कुछ हो रहा है तो आप दरवाजे को खुला छोड़ सकते हैं। खुशियों का प्रवेश जरूर घर में होता है, लेकिन ऐसा समय है जैसे दिन का समय है, बेसमय है, जब घर के सदस्य सो रहे हैं, तो बेवजह जब घर का दरवाज़ा, अब आप कहेंगे कि कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा, लेकिन होते हैं मित्रों, होते हैं। बेवकूफ़ बोलो या सीधा बोलो या घर में ही किसी सदस्य का अजीबोगरीब नेचर जो कि बार बार गेट खुला छोड़ता है। मैंने कई मिलने वालों के कई घरों में ऐसा देखा जहां लोग गेट खोल तो देते हैं पर लगा के नहीं जाते हैं और गेट खुला ही पड़ा रहता है। कई बार बकरियां घुस जाती हैं, गाय घुस जाती है और उनका पूरा गार्डन साफ हो जाता है। कई बार तो आप गाय माता को चारा खिलाएँ, बकरी को भी चारा खिलाएँ, लेकिन किसी की मेहनत के द्वारा जो तैयार किया गया गार्डन है उसको कोई भी खा जाता है, तो ये तो वाकई में एक सोचने वाली बात है। जिसको आपने बहुत मेहनत से लगाया है, इसके बजाय आप चारा वगैरह खिलाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से गेट का जो कनेक्शन है कि कहाँ से कहाँ चला गया, तो गेट को जो है ज़रूर बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों घूमती हैं और नेगेटिव एनर्जी जिस समय घूम रही होती है, स्पेशली गेट खुला हुआ, तो उस घर में क्या परिणाम होते हैं ये बताती हूँ। उस घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लेश होता है, पैसा बर्बाद होता है, घर का सदस्य एक दूसरे का कहना नहीं मानते, और पैसा आता भी है ना तो किस गर्त में चला जाता है, कब आएगा कब जाएगा पता नहीं चलता है, और ऐसे घरों से लक्ष्मी अक्सर रूठ भी जाती हैं। तो घर का दरवाज़ा सोच समझ कर सही समय पर खोलना उचित रहता है। बेवजह घर में दरवाज़ा खुला रहना चंद्रमा के पीड़ित होने को दर्शाता है, घर के सदस्यों की लापरवाही वाली नेचर को दर्शाता है।